एक बार फिर से गेट नंबर 5 से मस्जिद नबी में एंटर कर रहा हूँ। आप लोग मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये वाला बिल्डिंग उस टाइम नहीं था, नया बन गया यहाँ पे, इसलिए ये रोड जो चौड़ी हुआ करती थी कंजस्टेड हो गया। इधर शॉप लगा हुआ है, चलिए शॉप के अंदर से होके जाते हैं। माशाल्लाह पूरा ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे लग गए। ये कुरान एग्जीबिशन सेंटर, दोनों साइड में उससे आगे जाएंगे तो जन्नत बाकी। और सारे लोग अभी जा रहे हैं फजर नमाज के लिए। आज है 1 मार्च 2024। यहाँ पे दवाइयाँ के लिए लोग यहाँ पे लगते हैं जो हजम रख के आते बीमार होते हैं। और ये है कुरान एग्जीबिशन का एग्जिट, फजर के बाद ये गेट खुलेगी। और ये गेट नंबर 5, यानी कि पहले गेट नंबर 5 था, अब इसका नाम रख दिया है 305। सामने खुशी का दुकान, लाइन से लगी हुई है चरमा छे। और ये देखिए सामने मेंस टॉयलेट, ये देखिए लोग जा ही रहे हैं फजर नमाज के लिए। मैं जा रहा हूँ वजू करने के लिए। ये गेट नंबर 6 यानी 306। देखिए ये म्यूजियम सेंटर ऑफ द प्रोफेट्स बायोग्राफी, जिसको वो म्यूजियम सेंटर बना दिया है। अंदर जाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बायोग्राफी वहाँ पे बताया जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बाहर बाहर चेंज है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये वजू खाना रहता है और टॉयलेट इसके नीचे। कोई व्यूअर कमेंट किए थे कि नीचे का टॉयलेट का, यानी कि जो वजू खाना नीचे उसका सीन दिखाने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये है वजू खाना, पुश बटन के हिसाब से पुश करेंगे तो पानी गिरेगा, ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। बंद हो गया, ये लिफ्ट लगा रहता है हर जगह, यहाँ बहुत सारे टॉयलेट है, हर जगह लिफ्ट लगा रहते हैं। ये बंद है जजीरा ट्रैवल तजिकिस्तान, पता तक भाषा में लिखा हुआ मालूम नहीं क्या लिखा है। यूनिट 4 टॉयलेट एंड इंक्लूशन, मेन ओनली डस्टबिन, उधर पार्किंग एरिया है। ये वजू खाना, वजू खाना देखिए बहुत लंबा है, पूरा वजू खाना ही है, लोग वजू कर रहे हैं। ये लाइन से पूरा टॉयलेट ही टॉयलेट है।